आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कलाकंद की बर्फ़ी। तो कलाकंद की बर्फ़ी तो सभी को पसंद होती हैं, तो आज हम ये कलाकंद की बर्फ़ी बनाएंगे पनीर से। तो मैंने यहाँ पर ये 400 ग्राम पनीर लिया है, और बस फ़र्क इतना है कि ये जो कलाकंद की बर्फ़ी आज हम बनाने वाले हैं ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगी। वैसे कलाकंद की बर्फ़ी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आज हम बस 10 मिनट में बनाएंगे। तो सबसे पहले जो 400 ग्राम पनीर लिया है उसको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से क्रम्बल कर सकते हैं या फिर ग्राइंडर जार में डाल करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ग्रेटर से इसे अच्छे से ग्रेट कर ले रही हूँ। तो ये 400 ग्राम हमने पनीर लिया है इसे हम ग्रेट कर लेंगे, और बिल्कुल हलवाई जैसी ये हमारी ये जो बर्फ़ी है वो बनकर तैयार होंगी। तो ये पनीर हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं इसे पकाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये पैन लिया है, और पैन में मैं डालूँगी 1 बड़े चम्मच घी। तो ये घी हम इसमें डाल देते हैं, और सबसे पहले हमें क्या करना है कि पनीर को पकाना है, तो इसलिए मैंने इसमें घी डाला है। तो ये 1 बड़े चम्मच घी में हम पनीर को 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो मैंने ये पनीर को इसमें डाल दिया है, और इसे अब मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो पनीर को मैं इसलिए पका रही हूँ, इससे हमारी जो बर्फियों का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, इसलिए हम 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो अभी मैंने 2 मिनट के लिए पनीर को पका लिया है, और आप ये भी देख सकते हैं कि पनीर काफ़ी सॉफ्ट भी दिख रहा है। तो इस टाइम पे अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप दूध। तो दूध बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप अपनी बर्फियों को एकदम फ्रेश बनाना चाहते हैं तो आप इसमें दूध ऐड कीजिए, वरना बिल्कुल भी ऐड ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैंने ये 1 कप दूध इसमें ऐड किया है, और अब हम इसे पकाएँगे। तो दूध से बर्फियाँ थोड़ी सॉफ्ट भी बनेंगी, और एकदम फ्रेश वाला जो टेस्ट है वो भी आएगा। तो इसलिए मैंने इसमें 1 कप दूध ऐड किया है, और दूध के ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क जो है मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम, 400 ग्राम पनीर था तो 200 ग्राम मैंने यहाँ पर ही कंडेंस मिल्क लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर चीनी भी डाल सकते हैं, और ये थोड़ी सी क्रश की हुई इलायची मैंने इसमें डाल दी है। अब हमें क्या करना है कि इसे जब तक पकाना है जब तक कि एकदम थिक ना हो जाए, एकदम बर्फ़ी जमाने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, जब तक हम इसको पकाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा सा तेज कर दिया है, यानी कि हाई कर दिया है, और अब हमें इसे कंटिन्यूसली पकाना है जब तक कि जो हमारा दूध है और ये जो पनीर है वो जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, जब तक हम इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए पका लेंगे। तो जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये कुछ इस तरीके से थिक होने लगेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसे थिक होने में, थोड़ा जल्दी ही जो है ये जो है थिक होने लगेगा। तो लगातार पकाते हुए ये देखिए इस तरीके से एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। ये देखिए एकदम दानेदार भी है, बिल्कुल जैसे कलाकंद की बर्फ़ी होती है ना दानेदार, वैसा ही इसका टेक्स्चर है। तो बस अभी हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ़, और ये एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है ऑफ़, और चलते हैं इन्हें जमाने के लिए। तो बर्फ़ी जमाने के लिए मैंने यहाँ पर एक केक टिन लिया है, जिसे मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और घी से ही इसे ग्रीस करना है, ऑयल से बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद मैंने इसमें ये चॉप किए हुए बादाम और पिस्ता डाल दिए हैं, मैंने नीचे डाले हैं जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी हम इसमें ये जो है अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें ये पूरा ये जो डाल देंगे, और अच्छे से इसको प्रेस करते हुए इस तरीके से पूरे टिन में जो है सेट कर लेंगे। आप चाहें तो बर्फ़ी जमाने वाले मोल्ड में भी इन्हें बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये केक टिन का यूज़ किया है और इसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इसे इसी तरीके से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो अभी रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं, और उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए, और अब मैंने इसे बाहर निकाल दिया है। और पहले हम साइड से नाइफ की हेल्प से इसको निकाल देंगे साइड से, उसके बाद हम इसको पलट करके इस तरीके से टैप करेंगे, और इजीली जो है ये बर्फियाँ बाहर निकल आएंगी। ये देखिए कितनी आसानी से ये जो है डिमोल्ड हो गई हैं। बस अब हमें क्या करना है कि इनको पीसेस में कट करना है। तो जैसे भी पीसेस में आप इन्हें कट करना चाहे, छोटे बड़े जैसे भी वैसे कट कर लीजिए। मैं यहाँ पर स्क्वायर पीसेस में इन्हें कट कर रही हूँ, और इस तरीके से इन्हें कट कर लेंगे।
तो ये जो कलाकंद की बर्फ़ी हमने पनीर से बनाकर तैयार की है, ये जल्दी भी बनकर तैयार जाती है और टेस्ट तो इनका बिल्कुल वही है जो हलवाई वाले बनाते हैं ना, कलाकंद की बर्फ़ी वही है। बस इनका जो कलर है वो हल्का सा चेंज है, क्योंकि हमने इसमें जो है कंडेंस मिल्क डाला था, जिसकी वजह से इनका कलर जो है हल्का सा चेंज हो गया है, यानी कि एकदम प्योर वाइट नहीं है, थोड़ा सा क्रीमी हो गया है। तो बहुत ही अच्छी बर्फियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।